अभी हम एक फ्लश टैंक लेके आए हैं, कंपनी है प्योर फ्लो, ये मुझे पड़ा है 800 रुपये का, आप ले सकते हैं, अच्छा है, ISO सर्टिफाइड है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसकी एक एक फिटिंग के बारे में बताऊंगा, इसको कैसे क्या फिट करना होता है और इसमें क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, इसको ओपन कर लेते हैं, जमा रखते हैं, ये हमारा टैंक है पूरा, दोस्तों काफी अच्छा डिजाइन है सिले में और 8 लीटर कैपेसिटी का है। चलिए इसको मैं और बता देता हूँ, इसमें क्या क्या दिए गए हैं। दोस्तों एक पार्ट है जिससे वाटर लेवल मेंटेन होता है, और दोस्तों यह पाइप दी गए हैं, और इस पे पाइप दिया गया है, यदि आप बेस्ट यूज करते हैं तब तो ये पाइप आपके यहाँ फिट हो सकता है, नहीं तो आपको एक एक्स्ट्रा पाइप लेना पड़ेगा, यदि आप जो है इंडियन स्टाइल यूज करते हैं। ये बेस्ट में फिटिंग के लिए दिया गया है, इसको हम साइड में रख देते हैं। इसके साथ ये आपका प्लस सिंक सिस्टम पूरा, इसमें ये आपका सेंटर सिस्टम है, इसको मैं फिट कर देंगे हम यहाँ पे, और कैसे काम करता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। ये प्लस खोलने के लिए की दी गई है, हमें यहाँ पे फिट हो गई है, इसके साथ ही बॉल्व है, और यहाँ पे दीवार पे माउंट करने के लिए हमें स्क्रू दिए गए हैं, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बॉल्व दिए गए हैं। चलिए दोस्तों ये है मेन सिस्टम जिससे आपको फ्लस ऑन ऑफ होता है, जैसे आप इसको यहाँ से आप मूव करते हैं तो ऐसे ये मूव होने लगता है। इसमें होता क्या दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ करके, इसको हम फिट कर लेते हैं। इसमें लॉकिंग सिस्टम दिया गया है, ठीक है, ये लॉक हो गया है, और ये ऊपर नीचे होगा, जब अपन इसको अपन आगे पीछे करेंगे बटन को तो ये ऊपर नीचे होगा, ऊपर होगा तो प्लस खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे फिट करना है। तो उसके साथ आपको इसका यूज करना होगा, दोस्तों अगर आपको इसमें आपको सबसे पहले इसमें इसको फिट कर लेंगे, ठीक है, अब इसको यहाँ फिट कर लेंगे, यहाँ पे हम स्क्रू इसको कस देंगे, देखिए दोस्तों फिट हो गया है, इसको हम ऊपर नीचे करेंगे, ये फ्लस खोलना होगा तो हम इसको नीचे कर देंगे। अब बात करते हैं इसकी, देखते हैं दिया गया है। दोस्तों इससे एक दो तरह के काम होंगे, एक तो क्या है यहाँ पर इनपुट, पानी का इनपुट भी इसी से होगा, और यहाँ पे एक बॉल्ब लगा हुआ है, बॉल्ब अपन को कितना टैंक में पानी भरना है उसके हिसाब से इसको इसके लेवल को एडजस्ट करना है। यदि दोस्तों ये ऐसा फिट हो जाएगा, यदि आप चाहते हैं कि इतना पानी टैंक में आ जाए और इसके बाद या इतना पानी यहाँ तक आ जाए और इसके बाद नल ऑटोमेटिक बंद हो जाए तो आपको इतना रखना होगा, यदि आप चाहते हैं कि और ऊपर हो तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको आप घुमाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, आपने जरूरत के हिसाब से आप कितना पानी का यूज करना चाहते हैं एक प्लस में वो आप कर सकते हैं। मैंने इसको और ऊपर कर दिया है, दोस्तों इसको फिट कर लेंगे। फिट करने के लिए दोस्तों आप बल्ब का जरूर यूज करें, इन दोनों का कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं है दोस्तों, याद रखें। इसको लगाते समय एक बात याद रखनी है, यह किसी से दीवार से टच ना हो, नहीं तो क्या है फॉल्स अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, इसको बिल्कुल फ्री रखना होगा, हमें सेंटर में रखना होगा। अब हम इसको टाइट कर देते हैं,
इसको इसको हमने टाइट कर दिया है, ठीक है। देखो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कैसे काम करेगा। आपका बैटर यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से आपका इनपुट पाइप होगा। इनपुट पाइप होने के बाद आपका पानी भरा आता रहेगा। पानी का लेवल जब यहाँ तक आएगा तब यह इसको उठाना चालू कर देगा, और कब तक उठाएगा, जब तक कि पानी आपको यहाँ तक ना आ जाए। यहाँ तक आने पानी आने के बाद ये ऊपर उठ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो वॉल्व है इसके नीचे वो बंद हो जाएगा और आपका पानी आना यहाँ से बंद हो जाएगा। इसके बाद आपको फ्लस करना होगा। ऐसे आप फ्लस करेंगे तो एकदम से पूरा पानी आपका जो है फ्लस हो जाएगा। दोस्तों इसको आपको ये पाइप इस पाइप को यहाँ पे फिट करेंगे। अपने यदि आपकी वेस्टर्न है तो आपको यही पाइप काम कर जाएगा, यदि आपकी इंडियन है तो आपको अलग से एक लॉन्ग पाइप लेना होगा, और यहाँ से आपको जो है इनपुट वाली पाइप को यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। इसके बाद आप इसको फिट कर देंगे ये बीच में और ढक्कन को फिट कर देंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक करें।